हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा और स्वागत है आपका यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हर व्यक्ति का शरीर के अंदर हो रही किसी भी अनियमितता का कुछ ना कुछ साइन सिग्नल जरूर देता है, लेकिन अगर हम उसे समय से समझ नहीं पाते हैं, डिकोड नहीं कर पाते हैं, तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। हमें पता नहीं चलता कि हमारे बॉडी में ऐसा क्यों हो रहा है, और हमारी प्रॉब्लम जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब हम उसे जान पाते हैं। तो इसी तरह इनफर्टिलिटी के लिए भी बॉडी साइन करती है। शुरुआती कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको हिंट करते हैं कि आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे कुछ रीज़न हैं, ऐसे कुछ खास 5-6 रीज़न हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके साथ इनमें से कोई एक भी प्रॉब्लम है तो ये हिंट कर रहा है कि आपको इनफर्टिलिटी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज ये वीडियो आप पूरा देखिए, सभी कारणों को समझिए, और अगर आपके साथ इनमें से कोई समस्या है तो YouTube सहेली चैनल पर ऐसे कई वीडियोस हैं जो कि पोषण के तरीकों से इनफर्टिलिटी का सलूशन बताते हैं, तो आप उनको फॉलो करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि हजारों महिलाओं ने सॉल्व किया है। आइए जानते हैं इनफर्टिलिटी के शुरुआती लक्षणों में सबसे पहला लक्षण कौन सा है। तो सबसे पहले लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑब्वियसली पीरियड्स से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीरियड्स बिल्कुल क्लियर हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, प्रजनन स्वास्थ्य को दर्शाते हैं। सबसे पहली बात पीरियड से जुड़ी, अगर आपकी पीरियड की साइकिल यानी कि आपको पीरियड टाइम टाइम से आता है, 28 से 35 दिन के बीच में आ जाता है, 28, 29, 30 या 35 दिन के बीच में आ जाता है, तो बिल्कुल सही है, आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको 20-20 दिन पे पीरियड आ जाता है, या फिर आपको 40-40 दिन पे पीरियड आता है, 2-2 महीने पे पीरियड आ रहा है, कभी 3 महीने पे आ रहा है, तो ये बिल्कुल क्लियर साइन है कि आप ठीक से ओवुलेट नहीं कर रही हैं, आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, जिसकी वजह से अंडे नहीं बन रहे और अंडाशय से एग रिलीज नहीं हो रहा, और अगर एग रिलीज नहीं होगा तो गर्भ नहीं रुक सकता। तो सबसे पहले आपको अपने पीरियड को ठीक करना है। अगर जल्दी आता है, बार बार आ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी टाइम से आता है, तो सौंफ का प्रयोग जरूर कीजिए। ये हमारे किचन का बहुत ही जादुई मसाला है और आपकी पीरियड्स को 1-2 महीने में बहुत अच्छे से ठीक कर देगा। सौंफ ड्रिंक का मेरा वीडियो देखें, फॉलो करें, क्योंकि इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। बहुत सारी सहेलियों को महंगे महंगे इलाज कराने के बाद भी जो रिजल्ट नहीं मिले वो उनको इस 2-5 रुपए की सौंफ को यूज करने से मिले हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा दिनों पर पीरियड आते हैं, 40 दिन पे, 2 महीने पे, 3 महीने पे, तो आप अपने जीवनचर्या में कलौंजी, अजवाइन, जीरा, पपाया, पाइनएप्पल, इन चीज़ों को फॉलो करें, अनार चुकंदर को फॉलो करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज रोज करें। इन दो काम को अगर आप कर लेते हैं तो आपकी पीरियड्स धीरे धीरे नियमित हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम बहुत क्रॉनिक है, बहुत पुरानी हो चुकी है प्रॉब्लम, या फिर मीनोपॉज के स्टेज पे आप आ गए हैं, तो कुछ सप्लीमेंट्स हैं मीनोपॉज के लिए, मीनोपॉज के सप्लीमेंट हैं, और पीरियड अगर बंद हो गए हैं, नियमित करना है, तो कई सारे सिरप हैं, जैसे कि मैंने कई सिरप पे वीडियो बनाए हैं, रिव्यू किया है उनको आप लोगों के लिए, उनमें से कोई एक आप उठा लीजिए, कोई एक चयन कर लीजिए, उसका यूज स्टार्ट कर दीजिए। वो जो पीरियड 40-40 दिन पे 2-3 महीने पे आता था, वो हर महीने नियमित हो जाएगा। अब दूसरा जो लक्षण है वो भी पीरियड से जुड़ा है, और वो है पीरियड की मात्रा। कितने दिन आपको पीरियड रहता है ये भी चीज बताती है कि आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है या नहीं, जो कि पीरियड इंड्यूस होती है। तो अगर आपको पीरियड 3-5 दिन रहता है, 6 दिन रहता है, ये बिल्कुल सही है। शुरुआती 2-3 दिन पीरियड का फ्लो धीरे धीरे बढ़ता है, फिर धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन अगर आपको 1-2 दिन ही पीरियड आता है, बहुत हल्का पीरियड आता है, तो इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आपको हो सकती है, आपके हॉर्मोन्स पर्याप्त नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा पीरियड आता है, 7-10 दिन तक आपको पीरियड चलता है, तो ये भी दिक्कत की बात है। बहुत हैवी पीरियड दर्शाता है हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन को, बढ़े हुए एस्ट्रोजन के लेवल को, तो इसको आपको कम करना है। और ऐसी कंडीशन में आप आयरन कैल्शियम युक्त आहार लें, फल सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप अदरक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। हैवी पीरियड को नॉर्मल करने के लिए बहुत सारी मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, जो बहुत आसान है, आपको घर में फॉलो करने में बहुत आसान है, आपके डाइट से रिलेटेड है, आप उन्हें ज़रूर फॉलो करें। उन वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए हुए हैं। अगर पीरियड के समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, थोड़ा बहुत दर्द सामान्य है, होता ही है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या फिर संपर्क के समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये दर्शाता है, ये हमें हिंट करता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारे प्रजनन अंगों में, और आपको जांच कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जांच करवाएं, जिससे आपको पता लग सकता है कि क्या कोई टिश्यू का ग्रोथ है, फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन तो नहीं है, और उसके अकॉर्डिंग आप हमारी बताई डाइट थेरेपी को फॉलो कर सकते हैं, होम रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि पीरियड पेन से आपको पूरी तरह से रिलीफ मिल जाएगा। चौथा जो लक्षण है वो है डिस्चार्ज।
अगर आपको बाय डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा आता है, हमेशा बना रहता है, फर्टाइल ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज आता ही नहीं है जो कि पानी जैसा चिपचिपा होता है महीने के बीच के दिनों में, और वाई डिस्चार्ज बना रहता है, इसके अलावा आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते हैं, तो ये भी इनफर्टिलिटी को दर्शाता है कि हो सकता है कि प्रॉब्लम धीरे धीरे आपकी और बढ़ती चली जाए। तो समय रहते इसको ठीक कीजिए। यूरिन इन्फेक्शन के लिए, यूट्रस में इन्फेक्शन के लिए अजवाइन की चाय पीना, तेज पत्ते की चाय पीना बहुत इफेक्टिव है। हमारी कई सहेलियों की सालों पुरानी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स अजवाइन और तेज पत्ते को यूज करके ठीक हुई और उन्होंने सफलतापूर्वक गर्भ धारण किया। रिसर्चेस भी बताती हैं कि अजवाइन और तेज पत्ता यूरिन और यूट्रस इन्फेक्शन के लिए रामबाण है। तो होम रेमेडीज का कोई जवाब नहीं होता, मेडिसिन से कहीं ज्यादा अच्छी होती हैं। आप इनको फॉलो करें, इनमें पोषण भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको डिस्चार्ज आ रहा है, इन्फेक्शन है, तो आपको ब्लॉक्ड ट्यूब्स का भी संकेत कर सकता है, तो अपनी जांच करवा लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा अनयूजुअल डिस्चार्ज आता है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो ट्यूब टेस्ट भी जरूर करवा लीजिए। फैलोपियन ट्यूब्स अगर ब्लॉक आती है, 1 या 2 जो भी ट्यूब्स ब्लॉक आती हैं, उसके लिए आप हमारे बताए रेमेडीज को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि बहुत सारी महिलाओं ने बेनिफिट लिया है। 5वां लक्षण है स्टॉप्ड पीरियड्स। अगर आपके पीरियड रुक गए हैं तो ये भी इनफर्टिलिटी, क्योंकि अगर पीरियड रुक गए तो इसका अर्थ ये है कि शरीर में अंडे नहीं बन रहे, ओवरीज काम नहीं कर रही, हॉर्मोन्स नहीं बन रहे। तो बहुत लंबे समय से पीरियड बंद होना भी इनफर्टिलिटी का लक्षण है। और या फिर मीनोपॉज की कंडीशन आ गई है, तो मीनोपॉज का सप्लीमेंट पे वीडियो है, उनको लीजिए ताकि पीरियड आपका नियमित हो सके। थोड़ा एक्सरसाइज जरूर कीजिए और अपने डाइट पैटर्न को बहुत सही से आपको ठीक करने की ज़रूरत है, बिल्कुल सही करने की ज़रूरत है, पोषण का स्तर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ऐसे करके आप अपने बंद हुए पीरियड्स को भी ठीक कर सकते हैं, अगर आपको मीनोपॉज पूरी तरह से नहीं आया है तो। जो 6ठा लक्षण है वो पेट से जुड़ा है। अगर आपका पेट बार बार खराब रहता है, एसिडिटी रहती है, आपको बराबर हार्टबर्न होता रहता है, आप कुछ भी थोड़ा सा हैवी खा लेते हैं तो आपको लूज मोशन हो जाता है, आपको पचता नहीं है कुछ भी ठीक से, तो ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि खाना पचना और इनफर्टिलिटी में क्या संबंध हो सकता है। जी हाँ, गहरा संबंध है। क्यों? क्योंकि ये आपके पोषण को निर्धारित करता है शरीर में। अगर अच्छा नहीं है डाइजेशन तो आपको यूट्रस रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फाइब्रॉइड हो सकता है, आपको कई सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और शरीर में पोषण का, विटामिन और कई पोषक तत्वों की कमी हो सकती है। तो अपने पाचन को सुधारें। कई बार नेवल डिस्प्लेसमेंट, जो कि मेडिकल साइंस में डिफाइन नहीं किया गया कि नेवल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बट नाभि खिसकना, इसको कई जगह जगह अलग अलग भाषाओं में बोला जाता है, धरण बोला जाता है और कई चीज़ें कही जाती हैं, उसको आप एक्यूप्रेशर थेरेपी से अपनी हथेली पर से ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से, एक पेन या पेंसिल की हेल्प से। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताएं, ताकि मैं इस पर अलग से वीडियो डेमोंस्ट्रेट करके आपको बता सकूं कि नाभि कैसे ठीक करनी है अगर आपकी बार बार नाभि खिसक जाती है। तो पेट से जुड़े ये रीज़न है, ये कुल 6 कारण हैं जो कि आपके शरीर में संकेत देते हैं कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि जो सहेलियाँ गर्भधारण की तैयारी कर रही हैं, इनफर्टिलिटी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको इससे एक दिशा मिलेगी, एक रास्ता मिलेगा, ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।